यह संसार है, इस प्रकार की जो मानता है, इस कारण से यह संसार प्रत्यक्ष और सच्ची सी दिखती है। या तो सपने के बीच के मां, सपने के संसार के बीच के मां जब विश्वास हो जाता है तो सपने की जो माई की जो संसार है वो सब दिखने लग जाती है और दिखती है। जिनको जिस समय स्वप्न आता है वो उसको एकदम सत्य और प्रत्यक्ष अनुभव करता है और सच्ची समझता है। पर जब आंख खुल जाती है तो कहता है कि ये तो स्वप्न था, किंतु जिस काल में स्वप्न आता है उस काल में तो वो चीज सब प्रत्यक्ष दिखती है। उसकी भावनाएं की दृढ़ता है, उसका संकल्प की तो दृढ़ता और क्या है वहाँ। इसी प्रकार से यह जो संसार हमारे को जो सब दिखती है वर्तमान में जागृत अवस्था में, इसके लिए भी अपने ज्ञानी महात्मा लोग कहते हैं कि ये इसकी मानी हुई है, वास्तव में नहीं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 चंद्र की जय। इसलिए जो कोई बात आप लोगों को कही जाती है गीता आदि शास्त्रों के आधार पर कही जाती है। गीता के वचन तो साक्षात भगवान के वचन है और शास्त्रों का जो वचन है महापुरुषों के वचन है, उसके अनुसार आप चलें तो आपका कल्याण हो सके, मैं चलूं तो मेरा। उसके ऊपर तेजी के साथ जोर के साथ कहा जा सकता है, गारंटी दी जा सकती है कि भगवान के वचनों का हम पालन करें तो निश्चय हमारा कल्याण हो सके। किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि कोई आदमी मेरे चरित्रों का कर्मों का कोई अनुकरण करे तो उसका उद्धार हो सकता है, ये बात नहीं कही जा सकती। हमारे सब जो आचरण जो है उसको अनुकरणीय नहीं बतलाए जा सकते। हमारे व्यवहार में आपको जो बात अच्छी मालूम देवे उसका तो आप आचरण कर सकते, किंतु जो बात आपको बुरी मालूम देवे उसका आचरण नहीं करना चाहिए। और भगवान की आज्ञा के पालन से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। महापुरुषों की आज्ञा के पालन से भी कल्याण हो सकता है, और ईश्वर के तो दर्शन भाषण सफल वार्तालाप चिंतन से ही कल्याण हो सकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण रामचंद्र की मोर मुक्त बंसी वाले की जय। अच्छे पुरुषों की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में हम अच्छे हैं, और महापुरुषों के ऊपर हमारी छाप है कि ये सच्चा आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है, उसका मूल्य है, उसकी यहाँ भी इज्जत है, और भगवान के परम धाम में तो इज्जत है ही। इसलिए अच्छे पुरुषों के सम्मुख हमको अच्छा होकर रहना चाहिए, और इस प्रकार के रहने से हमारे में जो बुराइयां हैं वो टिक नहीं सकती। काकभुशुण्डिजी का जो आश्रम है, बताया जाता है कि वहाँ योजन भर जो है सो भगवान की माया नहीं व्यापती थी, और फिर माया के विकारों की तो वहां आने की त्याग थी। क्या है जो कोई वहां जाता दुर्गुण और दुराचार उसे पहला ही भाग जाते, और सद्गुण और सदाचार स्वाभाविक उसमें आ जाते। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय। मौन मुकुट वंशी वाले की जय। छोटा बच्चा है, उसको कुत्ते का या बिल्ली का भय लगता है और वो दौड़ कर की माँ की गोद में आकर बैठ जाता है तो एकदम निर्भय हो जाता है। इसी प्रकार से थी हम अपनों को भगवान की गोद में बैठा देवे तो निर्भयता आ जाती। भगवान तो सब जीवन के मां मौजूद है ही। सुना जाता है मार्कंडेय ऋषि की जब आयु समाप्त हो गई तो धर्मराज है सो वहां जमराज वहां आए और मार्कंडेय के प्राणों को जी निकालने की चेष्टा की। मार्कंडेय घबरा करके और भगवान शिव की जो मूर्ति है उसका आश्रय लेते हैं और आश्रय लेने के साथ उसके मां स्वयं शिव ऐसे प्रकट हो गई और प्रकट होकर के त्रिशूल हाथ में लेकर के और जमराज को मारने लगी तो यमराज हाथ जोड़ करके भगवान शिव की शरण आ गया और कहा प्रभु मेरा क्या कसूर है। शिव ने कहा रे ये जो मेरा भक्त है इसके तुम प्राण निकाल रहे हो फिर कहते हो कि मेरा क्या कसूर है। बोले महाराज इसकी आयु तो समाप्त हो गई और आपका ये सब ये विधान है और मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने वाला एक आपका सेवक हूँ। बोले कहाँ इसकी आज्ञा माने इसकी कहाँ इसकी आयु समाप्त हो गई कि महाराज आज के दिन किसकी अवधि थी। बोले कौन सी कल्प का दिन। आज का दिन कल्प कौन सी। तो उसकी आंख खुली के अभी तो कई कल्प बाकी है। दिन तो ठीक है किंतु कई कल्पों के बाद आज का दिन है। तो भगवान शिव जो है क्षण के बीच के में जैसो असंभव को भी संभव कर दिया। मैंने कई कल्पों की आयु डाल दी। जमराज ने कहा महाराज मेरे कसूर को माफ। तो भगवान शिव की मूर्ति की शरण लेने से थी। जमराज उसको नहीं मार सके और कई कल्पों की अधिक आयु से बढ़ गई। तो फिर साक्षात भगवान की शरण लेने से अपने में जो निर्भयता आ जाए उसमें तो आश्चर्य क्या है। और भगवान सब जगह के मां मौजूद है। हम लोग जिस काम के लिए आए हैं यानी मनुष्य शरीर के मां जन्मे हैं तो ये भगवान की बड़ी भारी दया है। ऐसी दया को पा करके और मनुष्यों को अपनी आत्मा का शीघ्र ही ऐसा उद्धार कर लेना चाहिए। ऐसा मौका बार बार मिलना मुश्किल है। हम लोगों को अपने साधन की तरफ देखना चाहिए कि वो कितनी दिलाई ये साधन हो रहा है। और ये विचार नहीं आता कि यदि आज आकर मृत्यु प्राप्त हो जावे तो हम ना नहीं कर सकते, और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, अचानक किस समय में आकर प्राप्त हो जाए और फिर समझो कि कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए जब तक मृत्यु दूर है और देह में प्राण है तभी तक अपने कार्य की सिद्धि कर लेनी चाहिए। इसमें यदि विलम्ब करते हैं तो हमारी मूर्खता है। क्यों विलम्ब करना चाहिए? जय सीताराम 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 जय सीताराम चंद्र की जय, मोर मुक्त वंशी वाले की जय। एक एक क्षण जो सो बीता जा रहा है, जैसे क्षण बीतता जाता है ऐसे ही हमारी उत्तरोत्तर उन्नति होनी चाहिए। क्षण जो है घड़ी का जो सूर्या है आपने ठहरता ही नहीं। इसी प्रकार से हमारे साधन का प्रवाह चलना चाहिए। यदि एक क्षण में व्यर्थ बीत जाए उसका घोर पश्चाताप करना चाहिए। सच्चे दिल से पश्चाताप करने पर फिर ऐसी भूल पर नहीं होती। जब ये बात सुनने में आ जाए कि शरीर का कोई भरोसा नहीं, न मालूम कब अचानक देह से प्राण निकल जा, इसलिए जब शरीर आरोग्य है और मृत्यु निकट नहीं है तभी तक अपना काम बना लेना चाहिए। काम बना करके फिर संसार के बीच में रहो, कोई उल्झ की बात। ऐसा मनुष्य का शरीर फिर बार बार मिलना मुश्किल है। और मनुष्य इतर दूसरे शरीर में दूसरी योनि के बीच में कल्याण होना असंभव सा है। जब आकर मृत्यु प्राप्त हो जाएगी और हम आज से कल भी नहीं कर सके, उसी वक्त जाना होगा, तो उस समय हम पश्चाताप करें, रोते हुए जावे तो कोई भी लाभ नहीं है। तो जो कुछ करना हो पहले ही कर लेना चाहिए। ये समझना चाहिए कि आज का दिन निकल गया तो रात निकलनी मुश्किल, रात निकली तो दूसरा दिन निकलना मुश्किल। तो जिसको मृत्यु निकट दिखती है उसकी साधन के लिए बहुत उच्च कोटि चेष्टा होती है। स्त्री पुत्र भाई बंधु, ये शरीर भी हमारे क्या काम आएगा? मृत्यु होने के बाद इनसे ज्ञान ही नहीं रहेगा। जिसे स्वप्न से जागने के बाद में और स्वप्न की सृष्टि का ज्ञान नहीं रहता, बहुत कम रहता है। और बहुत से स्वप्न तो हमें भूल ही जाते हैं। इसी प्रकार से थी परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर यह संसार भी स्वप्नवत हो जाती है। सपने के कुटुंब से और रुपयों से और सपने की संसार से और भोग पदार्थों से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार से इस संसार के साथ में हमारा कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए भय से या लोभ से या संकोच से अपने कर्तव्य का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला था उसी काम में लगा देना चाहिए। जो लगाने में विलम्ब होता है तो ये एक बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इस वक्त में ये नुकसान नहीं दिखता है, किंतु आगे जाकर ये भयंकर रूप धारण करके कि अपना सब विनाश कर डालेगा। इसलिए मनुष्य को एक क्षण भी निकम्मा नहीं रहना चाहिए और काम भी दामी से दामी करना चाहिए। जो सबसे बढ़कर उच्च कोटि का काम है वही करना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहिए। निष्काम प्रेम भाव से करना चाहिए। ऐसा मौका पाकर के यदि परमात्मा की प्राप्ति से हम वंचित रह जावें तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, शोक की बात है और भय की बात है, लज्जा की बात है। नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शांतानंद घनानंद असरानंद ध्रुवानंद नित्यानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद